हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या सामान लगता है फ्राइड राइस बनाने के लिए। ये शिमला मिर्च, धनिया पत्ता, प्याज गार्निश के लिए है, ये गाजर, तेल, पनीर और कॉर्नफ्लोर, पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक और जो भी सामान लगेगा फिर बाद में मैं बताऊंगी। देखिए दोस्तों, चावल बॉयल करने के लिए पानी मैंने रख दिया है, गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। चावल 10 मिनट के लिए भिगो के रखी थी, अब मैं इसमें डालूंगी। इसमें पानी का कोई लेवल नहीं होता है, आप ज्यादा डालेंगे तो अच्छे से चावल निकलेगा। हमको चावल छान कर निकालना है इसमें से। चावल में हल्का से नमक डालूंगी, ज्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्राइड राइस में जब बनाएंगे तो डालेंगे। थोड़ा सा तेल डालूंगी, इससे चावल चिपकता नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है। चावल मेरा फूला हुआ है, बनने में टाइम नहीं लगेगा। रिफाइंड ऑयल लिया है, थोड़ा सा देसी घी लगेगा। आप चाहें तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। देखिए मेरा चावल जब तक बॉयल हो रहा है तब तक मैं पनीर में हल्का सा नमक, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हल्का ही पड़ेगा, और लाल मिर्च पाउडर। देखिए दोस्तों, लाल मिर्च पाउडर और नमक और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के मैरिनेट करेंगे, बस थोड़े देर के लिए, ज़्यादा नहीं करना है। और फिर इसे हल्का हल्का फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही करना है। जब तक मेरा चावल बन रहा है तब तक मैं इसे कर लूँगी फ्राई। और गाजर हमने लंबा कद्दूकस कर लिया है, ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मेरा पनीर रेडी हो चुका है, अब मैं इसे फ्राई करूँगी। आप पनीर का साइज अपने हिसाब से काट सकते हैं, इसका पीसेस मैं अपने हिसाब से काटी हूँ, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। घर का फ्राइड राइस बहुत अच्छा होता है। देखिए दोस्तों, मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें तेल डालूंगी। पनीर को तलना है, हल्का फ्राई करना है, जब तक मेरा चावल रेडी हो रहा है तब तक। मेरा चावल गोल्डन बासमती है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। चावल आप चाहें तो पहले से बॉयल करके रख भी सकते हैं, उसका और जल्दी आपका फ्राइड राइस तैयार होगा। तेल को गर्म होने देते हैं। देखिए मेरा तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें पनीर डाल के हल्का हल्का तलूंगी, ज़्यादा नहीं तलना है, हल्का सुनहरा होने तक तलना है। पनीर का साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। पनीर भी मेरा घर का बनाया हुआ है। पनीर बनाने का अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए मेरा सारा पनीर तल चुका है, अब मैं इसे निकाल के और चावल निकालूंगी। चावल का गैस बंद कर दी हूँ और मेरा चावल भी रेडी हो चुका है। चलिए दिखाती हूँ चावल आपको। देखिए दोस्तों, मेरा चावल हो चुका है, अब मैं इसे छान के निकाल लूँगी, पानी से बाहर निकाल लूँगी। ठंडा पानी डालने से मतलब चावल चिपकता नहीं है। देखिए दोस्तों, ऐसे आप चावल निकाल लीजिएगा। मेरा चावल ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जितने आपके फैमिली हो उस हिसाब से। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब मैं सारे मटेरियल इसमें डाल के बनाऊंगी, जिसे मैं अब इसमें तेल डालूंगी। देखिए दोस्तों, 2 चम्मच तेल है, 1 चम्मच देसी घी। जब तक मेरा चावल ठंडा हो रहा है तब तक मैं इधर रेडी कर लूँगी सारे सामान। जीरा, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, शिमला मिर्च, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है शिमला मिर्च और प्याज, क्योंकि पत्ता गोभी पड़ेगा, गाजर अभी थोड़ी देर बाद पड़ेगा, हल्का फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसमें सारे सामान डालूँगी, सारे मटेरियल पड़ेगा। थोड़ा पनीर रख ली हूँ, इससे रहता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है, छोटा छोटा टुकड़ा उसमें रहता है, तो आप नहीं भी डाल लगता है, इसे नहीं पड़ेगा। ये छोटा चम्मच सामान डालना है, बताऊंगी डालने के लिए। चम्मच 1 चम्मच टमाटो सॉस, गाजर,
इससे ज़्यादा सूखा कम नहीं लगेगा, चावल खाने में टेस्ट अच्छा आएगा। पनीर मेरा फ्राइड राइस आधा केजी चावल के हिसाब से सब मटेरियल है, आप अपने चावल के हिसाब से मटेरियल ले। ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा सिर्फ पनीर सॉफ्ट होने के लिए, चावल भी सूखा सूखा नहीं लगेगा खाने में। एक बार जरूर बनाए हमारे तरीके से, देख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए मेरा चावल कितना बढ़िया एकदम। आप चाहें तो चावल को रख सकते हैं और जितना खाना हो उसी हिसाब से आप बना सकते हैं फ्राइड राइस। देखिए अब मैं चावल इसमें मिलाऊंगी। धनिया पत्ता थोड़ा पड़ेगा और थोड़ा धनिया गार्निश के लिए रख से मिला लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, टेस्टी तो कुछ। एक बार ज़रूर बनाइए और खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए मेरे तरीके से। फ्राइड राइस बहुत टेस्टी होगा, आप बनाइए मेरे तरीके से। का टेस्ट एकदम से मिल जाएगा। देखिए देखिए दोस्तों कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, मेरा चावल एकदम रेडी हो चुका है। फ्राइड राइस एकदम बढ़िया तैयार हुआ है चावल मेरा, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी जिससे खाने में अच्छा लगेगा, बीच बीच में करारापन आपको एहसास होगा। गाजर थोड़ा सा मिलाइए, फिर आप खाइए एंजॉय कीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों से बातें करने में मुझसे कुछ भी गलती हुई हो उससे क्षमा भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय। आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं।